हम सब अपने घरों में पिक्चर्स लगाते हैं, पेंटिंग्स लगाते हैं, तो अगर हम वास्तु के अकॉर्डिंग पेंटिंग लगाते हैं या पिक्चर्स लगाते हैं तो उसके हमें और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज मैं इसी बारे में बात करूंगी कि पांच पिक्चर्स कौन सी ऐसी हैं कि जिनको हम किस डायरेक्शन में लगाएं कि वो हमें अच्छे रिजल्ट्स दें। तो चलिए आप वीडियो देखते रहिए, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलें। मैं अनुराधा राज त्यागी, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु गाइड, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पांच मैजिकल पिक्चर्स की कि वो किस डायरेक्शन में लगाए जाएं। एक एक डायरेक्शन करके मैं आपको बताती जाऊंगी और आप नोट करते जाइए, और फिर उसके बाद रिजल्ट्स भी देखिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं नॉर्थ डायरेक्शन से। नॉर्थ डायरेक्शन कुबेर का डायरेक्शन है। इसमें आप मनी या वेल्थ के लिए अपनी कंट्री की जो हाईएस्ट करेंसी है, जैसे अभी 500 का नोट है, तो आप उसको एक फ्रेम में जिसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक कलर का हो और फ्रेम सिल्वर कलर का, सिल्वर फ्रेम की बात नहीं कर रही हूँ मैं सिल्वर कलर की बात कर रही हूँ, सिल्वर कलर का फ्रेम हो, उसमें उसको लेमिनेट करा के आप नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए। और अगर आपका इंटरनेशनल बिजनेस है तो आप उसको जिस भी कंट्री से आप कनेक्टेड हैं, जहाँ पर भी आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ की जो हाईएस्ट करेंसी है उसका पिक्चर को लेमिनेट करा के नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए। और ध्यान रखिएगा, इसमें एक कहीं पर भी आप छोटी सी कुबेर की पिक्चर भी लगा दीजिएगा, आपको कंप्यूटर से मिल जाएगी, वो भी आप उसमें लगाकर फिर लेमिनेट करवाइए और उसको नॉर्थ डायरेक्शन में लगाइए, देखिए आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट डायरेक्शन हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट हमें क्लैरिटी देता है क्योंकि ये हमारा हेड आ जाता है, वास्तु पुरुष का हेड है नॉर्थ ईस्ट, तो बड़ा सेंसिटिव पार्ट है ये। तो इसमें जो है हम कौन सी पिक्चर लगाएंगे, धन्वंतरी जी की पिक्चर लगाएंगे। धन्वंतरी जी जो है, जब समुद्र मंथन हुआ था उस टाइम पर हाथ में कलश लेकर प्रकट हुए थे, तो वो वाली पिक्चर जो है हम कंप्यूटर से अपने से निकाल सकते हैं नेट से, और उस पिक्चर को लेमिनेट करके आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में लगाइए। और दूसरा काम हम एक और भी कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में हम गंगा जल भी रख सकते हैं किसी भी बर्तन में, अगर सिल्वर में रखेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप ब्रास के बर्तन में भी रख सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन हमें कनेक्शंस देता है, तो अगर हम ईस्ट में सन की पिक्चर लगाते हैं या कोई पेंटिंग लगाते हैं या कॉपर के बने हुए जो सन आते हैं वो हम ईस्ट वॉल पर लगाते हैं, तो जैसे सन के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, उसी तरह से लोग आपके भी चारों तरफ घूमने लगेंगे और आपको अच्छे अच्छे कनेक्शंस भी मिलेंगे। साउथ डायरेक्शन फेम का डायरेक्शन है, और हनुमान जी को भी यहीं पर ही सक्सेस मिली थी, तो साउथ डायरेक्शन में हम हनुमान जी की ऐसी पिक्चर जिसमें उन्होंने ऐसे करके पर्वत को हाथ पे उठाया हुआ है, तो इसी तरह से आपकी प्रॉब्लम्स को भी वो लेकर उड़ जाएंगे। तो आप हनुमान जी की जिसमें पर्वत को हाथ में उन्होंने उठाया हुआ है वो वाली पिक्चर साउथ डायरेक्शन में लगाइए। वेस्ट डायरेक्शन माँ लक्ष्मी का डायरेक्शन है। वेस्ट में हम ऐसी पिक्चर लगाएं जिसमें विष्णु जी आराम से लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी आराम से उनके ना पैर दबा रही हैं, तो अगर आप ये वाली पिक्चर लगाते हैं तो लक्ष्मी माँ आपके घर में स्थायी रूप से निवास करने लगेंगी, तो आप विष्णु और लक्ष्मी जी की ये वाली पिक्चर जरूर लगाएं। और ये पिक्चर्स जब आप लगाएंगे उसके बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आने लगेंगे, और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके कोई सवाल या जवाब हैं तो आप मेरे से
कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और तब तक आप ये सारे पिक्चर्स लगा लीजिए और मुझे बताइएगा जैसे जैसे आपको रिजल्ट मिलेंगे। चलिए फिर मिलते हैं, धन्यवाद।